नरसिंहपुर विधायक भी पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई है, बहुत स्वागत है आपका न्यूज एट। इंतजार तो हम कर रहे थे कि आप शो में आइए, शो खत्म हुआ लेकिन फिर भी आप आए। लेकिन मैं चाहती हूँ जाते जाते जनता को आप बता करके जाइए, इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़ाना, क्या बीजेपी दिक्कत हो रही है क्या, ये क्या रणनीति है और 5 साल का रिपोर्ट कार्ड आप कैसे रखेंगे जनता के सामने? मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 8 लोकसभा चुनाव, उनको 4 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाए और इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा का पहली बार उनको प्रत्याशी बनाया है। और मैं संबंध भाजपा हम भूमिकाएं बनाती रहती और देती रहती है और जहां तक विधानसभा में विकास के कार्य है तो मैं कहता हूं 1,32,54,42,15,000 के काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं और जितने हमारे काम हुए हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी उतने कितने शून्य हुआ अभी तक मैं बार बार के उतने शून्य नहीं बता पा रहे। काम करना तो ठीक है, 55 साल तक उनकी कांग्रेस सरकार रही 2003 के पहले, वो बताएं, जो बताना चाहिए मगर वो बताने के लिए नहीं है, आपने पूछा इसलिए मैंने अपनी जानकारी दी। अब ये बताइए कि महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना, महिला रिजर्वेशन बिल, एक बड़ा दाव बीजेपी महिलाओं को लेकर चल रही है लेकिन कांग्रेस वहां पर भी ओबीसी का मुद्दा खड़ा कर रही है। मेरा मानना है कि जो कांग्रेस इंडी बनाया है गठबंधन है और आप सबने देखो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उतनी उन्होंने कितनी भद्दी और गंदी टिप्पणी विधानसभा के अंदर की है जिसकी हम निंदा भी, उसको तो ऐसा है कि जो उन्होंने बात करी है वो बहुत निंदनीय है। और हमारा देश का इतिहास, ये देश 1,000 साल तक गुलाम रहा है और उसके पहले की अगर बात करें तो महिलाओं का स्थान सर्वोच्च रहा है। हम सीता माता, सीताराम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं, गौरी शंकर कहते हैं, या राजा आज़ादी में भी हम दुर्गावती जी की बात करें, लक्ष्मीबाई जी की बात करें, अवंतीबाई जी की बात करें, तो ये हमारा महिला प्रधान व्यवस्था हमारी है, देश की है। आपने सीता जी का नाम लिया तो राम मंदिर का भी जिक्र हो रहा है लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आपने राजनीतिकीकरण किया, राम के नाम पर वोट मांगे, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से बना। 500 साल तक ये एक आंदोलन चला और इन 500 साल की अगर बात कर 55 साल तक तो कांग्रेस की सरकार रही, वो मंदिर पहले भी बन सकता था मगर देश के प्रधानमंत्री सम्मानी नरेंद्र मोदी जी और आज हमारे जिले में और इस विधानसभा में योगी जी आए, उनका मैं हृदय से स्वागत वंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि 22 जनवरी को रामलला वहाँ विराजमान हो जाएंगे, वो टेंट में थे, एक छोटी मोटी घटना बड़ी, एक हमारे जो हम लोगों ने कभी जो इसके पहले। और अब जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप दो बातें बताइए कि बीजेपी को वोट क्यों दे जनता, फिर हमें डिबेट क्लोज करनी है। बीजेपी को इसलिए वोट देना कि अंत्योदय का हमारा विचार है, बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी दल का हो, किसी जाति का हो, सबको हमने लाभ दिया बिना भेदभाव, मगर कांग्रेस ने भेदभाव किया जी अंतर। बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आने वाले चुनाव के लिए और बहुत धन्यवाद आप न्यूज 18 के मंच पर आए। तो आज चुनाव एक्सप्रेस में बस इतना ही, जनता ने अपने मुद्दे रख दिए हैं, अपनी बात कह दी है, जनता जनार्दन सर्वोच्च है और वो ही फैसला करेगी सभी उम्मीदवारों की किस्मत में क्या लिखेगी जनता के हाथ में। तो आज चुनाव एक्सप्रेस में इतना ही, कल मुलाकात होगी रात 8 बजे छिंदवाड़ा से पहुंचेगी चुनाव एक्सप्रेस, आप भी आइए और इस मंच से अपनी बात रखिए। बहुत धन्यवाद।